नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल लोकसभा मुकेश पंडित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, मैं अभी नासिक में हूं और नासिक में आज मेरा डे फोर्थ है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था अंजनीगिरी पर्वत पार्ट वन और पार्ट टू, और उसके बाद मैंने नाइट व्यू त्र्यंबकेश्वर मंदिर का। तो आज मैं एक नई मंजिल की तरफ फिर से जा रहा हूं। तो सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने जो कल ये भैया हैं, इनका नाम है रोशन और ये यहीं नासिक में रहते हैं, तो इन्होंने मुझे बताया, मैंने इनसे कल पूछा था कि यहाँ पर और कौन कौन सी जगह है देखने के लिए, तो इन्होंने मुझे एक जगह के बारे में बताया जहाँ पर गोदावरी नदी बिल्कुल पहाड़ से निकलती है और उसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है, लास्ट में वहीं से गोदावरी नदी निकलती है, और उसके बारे में इन्होंने मुझे बताया। तो आज की यात्रा हम आरम्भ करते हैं। और प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं वीडियो छोटी करूँगा तो बहुत सारे पार्ट्स में बनेगी और वीडियो का मज़ा भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस लोकेशन से ये मुझे लेके जा रहे हैं, आप सामने की तरफ देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू है और चारों तरफ एकदम ग्रीनरी है, बीच में ये रोड है और रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। तो इन पहाड़ियों से होते हुए और यहाँ पर बहुत सारे झरने हैं, तो यहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं आज जहाँ पर गोदावरी नदी का जन्म स्थान है, जहाँ से निकास है, जहाँ से ये नदी निकलती है। तो भैया ने बताया कि एक गौमुख से ये नदी निकलती है, उसके बाद कुंड से होती हुई और ये पहाड़ से निकल के और फिर ये मैदान की तरफ बहती है, आगे जाके विशाल रूप ले लेती है। तो ये मैं सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और उससे पहले जो मैं आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये राइट और लेफ्ट साइड का, यहाँ पर दूर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ यहाँ पे दिख रही हैं, चारों तरफ पहाड़ियों से पूरा घिरा हुआ एरिया है और एकदम ग्रीनरी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है यहाँ पे। तो आज का मौसम थोड़ा ठंडा है, आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं चारों तरफ, और यहाँ पर बड़े बड़े ये पेड़ हैं यूकेलिप्टस के, और बीच में जो ये घास है, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं है, एयर पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो ये नज़ारा बिल्कुल ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये वीडियो थोड़ी सी इसीलिए बड़ी है क्योंकि मैंने जो रास्ते की व्यू है यहाँ पे वो सब मैंने इसमें कवर किया, ताकि मैं वीडियो में दिखा सकूँ आपको। क्योंकि आप अगर कहीं भी किसी लोकेशन पे जाते हैं तो वहाँ का आपको पूरा व्यू अगर ना देखने को मिले तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो सामने जो वो एक बड़ी सी पहाड़ी दिख रहे हैं आप, इस पहाड़ी की पे वो वहाँ से गोदावरी नदी का निकास स्थान है, तो वहाँ से वो गोदावरी नदी निकलती है। तो यहाँ तक जाने में लगभग त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास मैंने रूम लिया था होटल में, तो यहाँ तक जाने में भैया ने बताया कि 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। तो वो जो सामने अभी आप देख रहे हैं, ये त्र्यंबकेश्वर के उधर से होते हुए हम लोग यहाँ पे आए हैं, और सामने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऐसे आपको तालाब दिखाई देंगे, और ये पहाड़ी इस तरह से जो एरिया है ये इतना ज़बरदस्त लगता है। तो ये जो सामने पहाड़ी है यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, जो आज की हमारी डेस्टिनेशन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको रास्ते में जो भी एक अलग अलग ज़बरदस्त लोकेशन यहाँ पे व्यू पॉइंट मिल रहे हैं देखने को, जैसे यहाँ पे एक बीच में बहुत बड़ा तालाब है, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो इन पहाड़ियों से झरनों से होता हुआ पानी इन तालाबों में इकट्ठा होता है। और आप देखिए यहाँ पे जो रोड थोड़ी सी टूटी हुई है, लेकिन जो रोड के लेफ्ट और साइड में जो व्यू है ये एक ज़बरदस्त व्यू है। मैं थोड़ा सा आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर मैं हमने ऑटो ये साइड में किया, और यहाँ से देखिए सामने की तरफ जो ये अभी यहाँ पर फोग बहुत ज़्यादा है और बादल भी छाए हुए हैं, इसलिए थोड़ा आगे ज़्यादा आगे का सीन साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पास वाला नज़ारा आप दिखाता हूँ। तो ये सामने का व्यू आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में, एक बड़ी सी चट्टान है बिल्कुल पहाड़ी, और ये जो चट्टान है इसके बिल्कुल लास्ट में जाके हमें इसके साइड में ही जाना है, और लास्ट में जाके वो मंदिर है जहाँ पर गंगा गोदावरी द्वार उसको बोला जाता है, वहाँ पर गंगा नदी और गोदावरी एक साथ वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जो ये नदी है इसका नाम गोदावरी ही रखा गया है। तो इसके बारे में जो मुझे भैया ने बताया, वैसे मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा था अभी, तो वहाँ पर ये वही बताया जाता है कि जब गौतम ऋषि ने तपस्या की थी तो वहाँ पर भगवान शिव ने गंगा जी और गोदावरी दोनों ही नदियों को बुलाया गया था उनके प्राश्चित के लिए, जब उन्होंने गोहत्या की थी। तो ये नज़ारा आप देख रहे हैं सामने, ये वही जगह जहाँ पर उनको बुलाया गया था, और ये त्र्यंबकेश्वर के बिल्कुल नज़दीक है। तो जब भी आप त्र्यंबकेश्वर मंदिर आते हैं आप कोई भी ऑटो कर सकते हैं वहाँ पर, वैसे मैं जो ये भैया हैं ऑटो वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत ईमानदार भी हैं, तो अब मैं इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनके अगर आप नासिक जाते हैं तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत सारे ऑटो वालों से बात की पर सबसे कम किराया मुझे इन्होंने ही बताया। तो यहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है, हालाँकि ये मुझे आगे तक लेके गए, तो यहाँ पर ये पालकी वाले भी आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो पालकी लेकर जाते हैं। तो पालकी का प्राइस तो फिक्स नहीं होता है, सबको ये वेट के अनुसार और डिस्टेंस के अनुसार ही पालकी का प्राइस होता है,
कुछ लोग थोड़ा आगे जाके पालकी हायर करते हैं, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट से ही हायर कर लेते हैं, और कुछ लोग आधी सीढ़ियों से भी पालकी रेफर करते हैं, क्योंकि पहले वो सोचते हैं जितना पैदल चल सकते हैं उतना चल लें। तो अभी जो ये नज़ारा है बरसात के टाइम पे तो थोड़ा ख़तरनाक होता है ऐसे क्षेत्रों में जाना, लेकिन आप जैसे आप जा सकते हैं अक्टूबर के महीने में, बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे घूमने का, आप अगस्त से लेके अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद यहाँ शाम को बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो आप जब भी कहीं किसी लोकेशन पर जा रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा सुबह मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके उतना जाइए, ताकि आप 3-4 बजे तक वापसी आ जाएँ सूरज छिपने से पहले। नहीं नहीं 100 किलो का वजन उठा के लेता तो मारो तो 50-60 के ऊपर नहीं होगा। नहीं हाँ इतना 65 होगा। हाँ वही ना। फाइनली मैं पालकी में बैठ ही गया, क्योंकि भैया बार बार पूछ रहे थे, और मैं इसलिए भी खुश हो गया पालकी में बैठ के क्योंकि अभी जो पीछे ताऊ जी मिले थे उन्होंने मुझे बोला, मैं बोल रहा था टूटेगी तो नहीं भैया से, उन्होंने सुन लिया तो बोले अरे नहीं नहीं ये तो 100 किलो वज़न भी जाता है बैठ के, आपका तो 50-60 ही होगा। तो मुझे थोड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मुझे 50-60 बोला, हालांकि मेरा ज़्यादा तो नहीं है पर हाँ 65-70 होगा। तो ये अभी सामने का जब पालकी में बैठ के जा रहे हो तो सच में मतलब थोड़ी सी घबराहट होती है, और क्योंकि जैसे जो आगे वाले भैया ये ऊपर चल रहे हैं तो जब जैसे वो ऊपर की सीढ़ी पे कदम रखते हैं ना तो थोड़ा सा लगता है कि यार हाथ से छूट ना जाए, तो थोड़ा सा मतलब लगता है ऐसा, लेकिन वैसे अच्छा लग रहा बैठ के। तो ये जो सामने ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर ये काफ़ी ऊँचाई है, और सबसे बड़ी बात होती है जब भी आप ऊँचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन प्रॉब्लम होती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, पानी की बोतल कैरी करें और शांति से अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें तो थोड़ी देर बाद आपको वहाँ पे सही लगने लगता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आपको बंदरों का विशेष ध्यान रखना, आपका फ़ोन या आपका आपके पास जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं आपको पता नहीं चलेगा वो कब मतलब ले जाएँ। वैसे ही भैया जो ये देखिए सामने भी बंदर बैठे हुए हैं, तो ये जो लेके जाते हैं इनके साथ तो डरने की ज़रूरत नहीं, ये आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि जो आगे वाले होते हैं वो आगे का साइड का नज़ारा देखते हैं और पीछे वाले जो भैया हैं वो साइड का देखते हैं कि कोई बंदर साइड से ना जाए पीछे की तरफ से। तो ये देखिए सामने भी एक मंदिर है, वो भैरव बाबा का मंदिर है कोने में, और ये पहाड़ी से काट के ही रास्ता बनाया गया है इसकी तरफ। तो लगभग हम पहुँचने ही वाले हैं यहाँ से, अब बस थोड़ी सीढ़ियाँ बची हैं। तो भैया यहाँ पर थक गए थे, उन्होंने अभी 2 या 3 मिनट का ब्रेक लिया, वैसे ये बहुत मुश्किल जॉब है ये काम करना। तो बस फाइनली मैं पहुंचने ही वाला हूं वहां पे, और ये देखिए यहां का नज़ारा बहुत सच में बहुत प्यारा लगता है यहां देखने में। और मुझे सबसे अच्छी बात यहां की ये लगी कि मैं जितनी भी लोकेशंस पे यहां पे गया हूं सब एकदम साफ़ सुथरी, बिल्कुल कहीं कोई किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं, कोई एयर पोल्यूशन नहीं, सब कुछ मतलब यहां पे बहुत अच्छा लगता है यहां पे लगा यहां पे मुझे। तो ये वो रास्ता है जो मैं नीचे से बता रहा था, यहां पे भैया ने बताया था कि इधर भैरवनाथ मंदिर है वहां पे लिखा हुआ अभी ये बोर्ड पे। तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर देखिए अभी काफ़ी ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है ऊपर जाके। तो मैं मतलब थक गया था क्योंकि मैं 4 दिन से लगातार मैं ट्रैवल कर रहा था और पहाड़ियों पे चढ़ रहा था, तो प्रैक्टिस नहीं होती है। अब जैसे भैया क्योंकि यहीं के हैं तो इनका रोज़ का होता है, तो आप जहाँ के होते हैं आपको प्रैक्टिस हो जाती है। तो अभी इसके भी ऊपर है लेकिन फाइनल मंदिर यहीं पर है, क्योंकि यहीं पर भैया ने मुझे उतार दिया, बताया पूजा यहीं पर होती है। और ये इस जगह का नाम ओके, तो यहाँ का जो नाम है वो है गंगा द्वार गोदावरी। ये देखिए तो ये जो आप देख रहे हैं जल निकल रहा है यहाँ से, ये यहाँ से माता का पहाड़ों के बीच में बनाया हुआ है ये जल, और यहीं से हर जगह जाता है। यहाँ से कहाँ का जाता है भैया? यहाँ का ऊपर चटा मारी शंकर भगवान शिव जी ने। अच्छा, यहाँ से गोदावरी गुप्त होकर यहाँ का है, जो बच्चा का जन्म ऐसा गोदावरी माता का जन्म स्थान है, यहाँ का जल पीछा गुण मिल जाता है, 14-15 फीट डीप है। अच्छा, यहाँ से गोदावरी देती है, विश्व राम जी का मंदिर है, प्रभु रामचंद्र भगवान ने बार मरवा जाता है, उसके बाद सभी लोग नहाता है गाँव में, कुश्वर का कुंड में चला गया, हर कुंड में बड़ा मंदिर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाता है, उसके बगल में अहिल्या गोदावरी का संगम मिलके
आगे बढ़ेगा नासिक पंचोटी नांदेड़ पटना जो राज मंदिर के बंगाल के ऊपर था वो लेके मिलता है। उधर का जन्म स्थान है। जय गंगा मैया। तो यहाँ ये कुंड यहाँ से नीचे नीचे यहाँ से माता का जन्म हुआ गोदावरी। इस कुंड से पहाड़ों से होता पानी जाता है यहाँ से रामनगरी और ये जयगंगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो ये पानी था मैंने यहाँ पे कम से कम 1.5 लीटर पानी तो पिया होगा। ये पानी सच में इतना निर्मल था, इतना शुद्ध पानी था। और बिल्कुल यहीं से ये जो श्री गंगा द्वार यहाँ पे जो जगह का नाम था तो यहीं से गोदावरी नदी का जो निकास हुआ है। तो यहाँ पर इतनी प्योरिटी थी पानी में, किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं थी। तो और यहाँ पर जब आप वापसी में आ गए तो वापसी में मैंने पालकी नहीं ली है, क्योंकि वापसी में आप धीरे धीरे आराम से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जो ये सीढ़ियाँ हैं काफ़ी आप देख सकते हैं अच्छे एकदम फैली हुई हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे नीचे आ गया हूँ। और नीचे आने के बाद मैं फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं वहाँ ऊपर तक गया था सामने की तरफ, जो वो मुख्य मंदिर है। तो आप जब भी यहाँ नासिक में आते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर, तो आप इस जगह को ज़रूर देखने जाएँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है। और जब आप और यहाँ पर पानी ज़रूर पिएं, जो ये जल है ये वहाँ पर ज़रूर पी के देखें। इतना शुद्ध पानी था, मतलब आपका मन खुश हो जाएगा जल ग्रहण करने के बाद। तो अभी मैं फाइनल जा रहा हूँ होटल की तरफ, क्योंकि मुझे जल्दी से पहुँचना है 12:30 तक, और ऑफिस का काम भी करना है। तो अभी सामने का आप नज़ारा देख सकते हैं रास्ते में, ये कितनी ज़बरदस्त जगह है। ये देखिए मैं वहाँ से आया था और अब वापस से ऐसे ही घूम के हम जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट भी करें। और आपके पास कोई भी कोई ग्रुप हो आपके दोस्तों का, किसी एक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मैं और भी जल्दी जल्दी घूमने जाऊँगा, और क्योंकि थोड़ा सा फिर लगेगा कि हाँ लोग देख रहे हैं। तो अभी आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। क्योंकि मुझे आप ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ी ये वीडियोज़ बनाने के लिए। और मैं जानता हूँ कि मैं कई बार बहुत अच्छे से नहीं बता पाता, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से, और धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा। परफेक्ट तो अभी मैं नहीं हो सकता, लेकिन टाइम लगता है चीज़ों में। लेकिन मैं आपको जो जगह दिखा रहा हूँ वो ज़बरदस्त, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अच्छी से अच्छी लोकेशन दिखाऊँ। जैसे अभी आप सामने का नज़ारा आप देख ही रहे, कितना ज़बरदस्त है ये व्यू। तो यहाँ पर आके सच में दिल खुश हो गया। तो जब भी आप त्र्यंबकेश्वर जाते हैं तो ये जगह देखना ना भूलें। और प्लीज़ कोई भी वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू सो मच दोस्तों। और वीडियो अभी थोड़ी सी और बची है, उसको आप म्यूज़िक के साथ एंजॉय करें, क्योंकि जो ये रास्ता है ना ये म्यूज़िक के साथ आपको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इसको एंड तक देखें।